स्वागत है और स्टूडियो में हेल्प कर रहा हूँ अमन की जो प्रॉब्लम है वो है इनकी वाइफ और इनका साला और इनकी वाइफ का बॉयफ्रेंड। इनको अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले पता चला है कि इनकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है जो कि शादी से पहले है। सबसे बड़ी बात है शादी की पहली रात से, मतलब अरेंज मैरिज हुई थी और शादी की पहली रात से ही इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया था इसकी वाइफ ने कि उस पर भूत आते हैं, उसको टच मत करो, ये वो फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या बकवास करी थी। भाई हुआ क्या है तेरे साथ बता भाई जी। मेरे था जैसे कि आपको मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था, जो मेरी वाइफ है उसका शायद दूसरा बॉयफ्रेंड है जिसके कारण वो रात भर गायब रहती है। अच्छा। ना वो मुझे टाइम देती है, हमेशा गायब रहती है और जो पैसे वगैरह घर के गहने वगैरह हैं वो सब उसने बेच दिए हैं। अच्छा। और उसके बाद भी वो मेरे से पैसे मांगती है और बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मैं आपसे डिवोर्स करना चाहती हूँ। तो ये तेरे साले का क्या रोल है इसमें, वो किस बात की वजह से बीच मार रहा? वो साला मेरा थोड़ा बदमाश है, इस वजह से वो का तो पैसे के चक्कर में वो मेरे को मारता रहता है, जहाँ पे भी कहीं पे भी रास्ते में भी देखता है तो वहाँ पे भी मारता रहता है। बदमाशी कर रहा है कुल मिला के बात ये। हाँ जी। तो ये बता, वो जो शादी की पहली रात थी तेरी बीवी कह रही थी कि भाई मुझ पर भूत आते हैं मुझे टच मत करो, तो वो ये ड्रामा था कि बॉयफ्रेंड है इस वजह से, वो सारा ड्रामा ही था? जी। अच्छा। जैसे कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी ना, तो अरेंज मैरिज के कारण उस पर मतलब शुरू से ही वो जो पहली रात आई थी तब से ही ये ड्रामा शुरू होता उसका, मतलब जैसे कि टॉर्चर करना। मतलब तूने इसके माँ बाप से बात नहीं करी कि शादी क्यों करवाई तुमने, इतने बच्चों की करवानी थी? मैंने इनके घर वालों से भी कहा, लेकिन घर वाले इनके ये कह रहे हैं जैसे आपने अब तो हमने शादी कर दी है, अब जैसा भी है वो आप देखो। अच्छा। वो तेरे ऊपर ही डाल दिया है? जी। चल कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या करते हैं बता, कितनी देर में आ रहे हैं? वो सब आने वाले हैं, जैसा ही फोन करा था 15-20 मिनट में कह रहे हैं वो आने वाले हैं। चल ठीक है, अभी तो ये माइक अपने पास रखा, मिलता हूँ तब जब वो आ जाती है। और मैं जा रहा हूँ कैमरे के पीछे इसलिए जा रहा हूँ जिससे कि वो यहाँ पा के तेरे साथ जो बिहेव करेंगे ना, जी जी, वो मैं कैमरे में एक बार रिकॉर्ड कर लूँ, फिर उसके बाद आऊंगा मैं और उसके तेरे साले की बदमाशी पहले निकालूंगा। जी ठीक है। हाँ भाई, कॉल कैसे कर रहे थे? जिंदगी खराब कर रखी है, क्यों देगा? इससे बात करनी है 2 मिनट, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप हाथ ना उठाओ, तो हाथ मत उठा, मैं क्यों दूं? तो एक चीज बता, मेरी इतनी जिंदगी खराब करके रात रात भर गायब रहती है, मैं किस बात के लिए पैसे दूंगा? तू साइड हो रहा नहीं हो रहा है? तो एक चीज बता, तुम रात रात भर गायब रहते हो तो मैं रहूंगी मैं गायब, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं डिवोर्स किस बात पे दूं? पैसे भी मेरे खर्च हो रहे हैं, अरेंज मैरिज करी है तो डिवोर्स देगा तू? डिवोर्स किस बात के? तू डिवोर्स दे, मैं तो डिवोर्स दूंगा लेकिन पैसे नहीं दे रहा। बात करनी है 2 मिनट, तू साइड है। तो एक चीज बताओ, रात रात भर गायब रहते हो, कहाँ से कहाँ जाते हो आप? मैं डिवोर्स किस बात पे दूँ? आपके आपके घर वालों से भी मैंने कहा, आप पैसे भी लेते हो, पैसे भी गायब रहते हैं मेरे, तो आप हाथ कैसे उठा रहे हैं? आप साइड हो ना, तू साइड है, चल तू साइड हो, तू को मार रहा है उसका, तू तो साइड उसका बॉयफ्रेंड हो, तो मेरे को उससे बात कर रहा है तू? हंसो, कौन है बोलने वाला? मैं उससे बात कर रहा ना, तो बोलता वो बोल रहा तू, मैं इसका बॉयफ्रेंड ही हूं मैं। मैं क्यों दूंगा? मैंने इतने पैसे खर्च करे, मैं पागल दिख रहा है? पागल है और तू चूतिया है,
तो एक चीज बता, कहते रात रात भर गायब रहते हैं, दिन भर गायब रहती है, मेरे साथ रहती है। तू शादी क्यों करने, तू ऐसे ही करता है, खुशी रहेगी वो वहां रहेगी, बता तेरे को क्या दिक्कत है, उसकी शादी मैंने कराई है। तो मैं उससे बात कर रहा ना, तू साइड होना, तेरे घर वाले ने बात शादी कराई थी ना, घर शादी तेरे घर वालों ने कराई थी ना, समझा, उसका भाई है वो, तो तू भाई है, तू साइड हो, तेरे से मतलब नहीं है, मतलब उससे नहीं है मेरे, नहीं तू साइड हो, तू तू है कौन, तू कितने बार आप उठ मेरे साथ, ओए उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी जहाँ खुशी रहेगी वो वहाँ रहेगी, तेरे साथ रहेगी, तेरे साथ तो फेक था, तो फेक था तो शादी क्यों करवाई, तुम्हारे घर वाले ने शादी कराया था, बोला तुमने कोई शादी नहीं थी, कोई शादी नहीं थी, कोई शादी नहीं थी, कोई वैसे ने मैंने लिए क्या फेक था, सब कुछ फेक था, उसको डिवोर्स चाहिए, उसको अभी देगा तू डिवोर्स, होता हुआ ना पीछे हो पहले मेरी बहन है इतनी सी है तू, पीछे पीछे हो पहले, हाथ अगर चलाया ना तो सुअर बना करा, तुझे तुझे मना करा ना, पीछे हो जा, आधा घंटा हो गया, पीछे हो तू, पीछे हो चल, पीछे ये कौन है हमेशा रात रात भर गायब रहती है, दिन भर इसके साथ घूमती है, अपनी बहन का घर खराब कर रहा है, घर क्या खराब कर रहा है भैया, रात रात भर गायब रहती है, हमें क्या घूमते हैं, तू रहेगी मेरी खुशी रहेगी, मैं तो शादी करूंगा, कहां करूंगा, ठीक है मैं इससे डिवोर्स दिलवा रहा हूं, मैं इसका भाई हूं, मगर एक पैसा कोड़ी में मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, भैया ये हमेशा पैसा लेती है, हमेशा इतना उड़ा रखे हैं, दिया है तो देंगे नहीं, कौन सा दिया है, क्या पैसे दिए हैं, बाप ने शादी कराई थी, मेरे बाप ने भी, मैंने अपने बलबूते पे कराई थी, तूने कराई थी, बलबूते पे कराई है, मिलेगा तू ना मिलेगा, सुन मेरी बात भैया, अभी भी इसने 2-3 लाख रुपए से भी ऊपर से बहुत सारे पैसे उड़ा रखे हैं इसने, तेरे साथ खुश है, किसी का पैसा बुरा, हेलो भाई के पीछे इसकी पूरी दुनिया के साथ ये खुश है, तो इसी की तो खुशी होनी चाहिए, तुम होते कौन बोलने वाले, कितनी सी तू, रैपटा मारूंगा दीवार पर टप्पा होगा, रुकेगी यहां पर, नहीं तो क्या करेगी, क्या करेगी नहीं तो बता भाई, आप हो कौन है, वो कौन है, सुन मेरी बात, वो कौन कहां से आए हो ये बता, मेरे का मैं इसका भाई लग रहा हूं, इसकी तुमने जिंदगी खराब कर दी, जिंदगी हमने क्या, इसका परिवार खराब हो गया, हमने कुछ नहीं करा, अरे तूने कुछ नहीं करा, बहन की नाक सुनिए, नहीं देगी वो यहीं से मारते मारते बेकार कर दूंगा तुझे, कभी जरूर पीछे हो, ओ भाई आधा घंटा हो गया है, जहाँ खुशी रहेगी वो यही रहेगी, अच्छा जहाँ खुशी रहेगी, तू डिसाइड करेगा खुशी, मैं करूंगा, शादी क्यों करी थी फिर, मैंने करी थी, शादी क्यों करी थी, उस टाइम राजी थी, अच्छा अब इसके बाद किसी और के साथ राजी होगी, वहाँ कर देगा तो क्या होगा, कर देगा साले, तुझे शर्म आ रही, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा था, हमेशा ऐसे करती हुई है तेरी बहन है, जब तेरे को पता है, सुन
बदमाश क्या भाई है मेरा वो जाएगी YouTube Facebook कभी के प्रैंक चैनल है फटके आत्मा जाएगी ध्यान रखिए सारी दुनिया तेरे बाप देखेगा जीजा अभी तक तो नहीं याद आ रहा था अभी तक तो पैसे चाह रहे थे तो अभी तक याद है करा रहे थे भैया तब आपने देखा अभी तक मार रहे थे पहले तू मार कैसे भैया देख आप माफी नहीं नहीं इसने पहले मना कर दिया था माफ माफ का तो भाड़ में गया यार सारी गर्मी निकाल दूंगा तीनों की तो कर दो मेरी भैया आप भी देख रहे थे कैसे कैसे कर रहे थे सब लोग आपने भी देखा था हमें तो ऐसे करते हैं अभी ये वीडियो तेरा तो कोई मतलब नहीं था ना तेरा कोई मतलब नहीं था ना तो तू इनके चक्कर में लाइफ की बर्बाद करा भाई हमने कभी नहीं तू बगले बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी बहन की जिंदगी बहन की जिंदगी पहले सोची तूने भैया आपने देखा नहीं इन्होंने कैसे करा था तू ही मार रहा था तू इससे पैसे छीन रहा था पैसे क्या छीन मेरी बात पैसे यार मैं इसकी वापसी दे दूंगा तू इतनी है तेरा मारते मारते मैं टप्पे खिलाऊंगा ना फुटबॉल के भाइयों की टप्पे समझ में आ गया ओ यार जीजा मान अभी बहन को लेकर दफा हो निकल यहां से लेके चले चल थाने में मिलियो दोनों के दोनों चलो यार वीडियो यार ओ चल बे ओ भाई चल बे निकल यहां से वीडियो तो डिलीट कर दो यार निकल यहां से जरा ये उठा सालों ने खेल बना रखा जैसे देखो भैया इन्होंने ऐसे हमेशा ये गायब ही रहते थे रात भर इनका ये ड्रामा लग रहा है साला यहाँ पे सामने वाले को पागल समझ रही है हमेशा ऐसे ही मारते थे ये सब कर रहे थे अभी भी जैसे ये करा था तेरी जिम्मेदारी तू बता तुझे रखना नहीं रखना ही भैया ऐसे को मैं करूंगा अभी क्या छोड़ दे खत्म कर दे फिर अभी फिलहाल मैं ये जरा वीडियो खत्म कर दूं बहुत तमाशा हो रहा है उसके बाद बात करते हैं और ये वीडियो ना थाने में लेकर जाइए ना रगड़ दिए सारी बदमाश निकल जी भैया कैसे अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो कबीर के प्रैंक फेसबुक का कबीर के प्रैंक एंड ऑफिशियल कबीर जीरो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर फॉलो करो मैसेज करो इसके घर वालों को ये वीडियो दिखानी ध्यान रखिए जी भैया।